मैं कुछ ऐसे अनुभवों को बताऊंगा जो सब स्वामी के शारीरिक रूप से जाने के बाद हुए। क्योंकि स्वामी कभी गए कहीं गए नहीं हैं। स्वामी यही चाहते हैं कि हम उनको यजुर् मंदिर में बंद करके न रखे, लेकिन उनको अपने हृदय मंदिर में बसा ले। तो ऐसा हुआ, 2011 में आप जानते हैं कि स्वामी ने अपना शरीर छोड़ दिया, अप्रैल 24, 2011। उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गया, मैं मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मंदिर जाके मैं क्या करूँगा, और स्वामी ही नहीं है तो सिंपली उधर बैठूँगा, बस यादें आ जाएंगे और आंसू आ जाएंगे आंखों में, तो मैं मंदिर जाना बंद कर दिया था। उस समय मेरी बीवी जो है ना पूजा, वो बॉम्बे में थी, डॉइश बैंक में काम कर रही थी, और उसका यूरोप का शिफ्ट था, तो रात का 11:30 बजे तक काम करती थी, और इसलिए जब घर लौटती थी लेट हो जाता था, और सुबह में 9:30 बजे या 10 बजे उठती थी, लेट उठती थी। वो बॉम्बे में थी, मैं पुट्टपर्ती में था, और एक दिन जब मैं ऐसे ही जा रहा था, उस समय मैं रेडियो साई में काम कर रहा था, तो मैं जब रेडियो साई की ओर जा रहा था, भजन चल रहे थे मंदिर में, और मैं सोचा कि चलो यार आज जाते देख लेते क्या होगा, आज मैं मंदिर जाऊंगा और देख लूंगा क्या होता है। और मैं मंदिर गया भजन के लिए, और मैं बैठा भजन के लिए, और जैसे ही बैठा बस आंखों से आंसू आने लग गए। ये जब भजन चल रही थी ना, इतना दुख हुआ, स्वामी आप कहाँ गए, स्वामी क्यों चले गए स्वामी, और मैं रो रहा था। और उस भजन के बाद जो भी भजन होने लगे, सब भजन में मैं रो के बैठा, रो के ही बैठा। और मैं सोचा हाँ देखो, इसलिए मैं नहीं आना चाहता था, मैं जानता हूं अगर मैं मंदिर आऊंगा तो बस रोने लगूंगा, क्या फायदा हुआ यहां आके। आरती हो गई, आरती के बाद मैं बाहर निकला, और जैसे ही मैं बाहर निकला ना, और अब मैं स्टूडियो की ओर जा रहा था, रेडियो साई स्टूडियो की ओर, तो मेरा फोन बजने लगा। वो पूजा थी, पूजा ने बॉम्बे से मुझे कॉल की थी। मैं देखा, मैं सोचा अरे ये तो 9:30 है, 9:30 बजे, मतलब अभी उठी होगी। मैं पूछा पूजा तू अभी उठी है क्या? तो कहा हाँ, मैंने अपना दांत ब्रश भी नहीं किया और कॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि स्वामी मेरे सपने में आए थे। ओह ठीक है, क्या था सपना में? तो यह अभी पूजा उसकी सपना सुना रही है। तो उसने कहा कि देखो स्वामी आके मुझे अपने साथ मंदिर ले गए, और मंदिर में 20 बच्चे थे जो भजन गा रहे थे। देखिए उस दिन ना जब मैं बैठा था उधर, सिर्फ 20 20 बच्चे थे, 20 छात्र थे जो गा रहे थे भजन उस सेंटर में। अरे बाप रे। हाँ, और फिर कहती है उन 20 बच्चों में एक तू भी था, तू भी बैठा था वहां, ठीक है, और तू फूट फूट के रो रहा था, तू भजन गाते समय इतना रो रहा था। और स्वामी हंसने लगे, और स्वामी ने मुझसे कहा कि देखो वो तुम्हारा पति देव रो रहा है, वो रो रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं नहीं हूं, कितना पगला है, मैं कहां जाऊंगा, मैं हमेशा हूं। और जब पूजा ये मुझे बता रही थी ना फोन पे, मैं सोच रहा था बाप रे। मैं पूछा पूजा क्या ये सपना अभी आया? बोली हाँ अभी आया। पक्का? हाँ पक्का। मैं मतलब मैं क्यों, सचमुच ऐसे स्वामी बताए? अरे यार तू तू पागल है क्या, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि पूजा आज मैं मंदिर गया था। जब मैंने ये कहा तो पूजा को थोड़ा आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो जानती थी कि जब से स्वामी मतलब 24 अप्रैल के बाद मैं कभी मंदिर गया ही नहीं हूं। वो बोलती थी तो एक बार तो जाओ, मैं बोलता था मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो वो शॉक हो गई, वो बोली हाँ तू मंदिर क्या आज? मैंने कहा हाँ आज मैं मंदिर गया, और मैं बैठ के रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, और मैंने सोचा कि स्वामी नहीं है।
अब वो पूछ रही है, अरविंद सच्ची में आज ही गया तू मंदिर? हाँ मैं अब भी मंदिर के बाहर ही निकल रहा हूं, और सच्ची में ऐसे ही हुआ? तू पगली है क्या, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा, सच्ची में ऐसे ही हुआ। उस दिन से ना कई बार, कितने बार स्वामी मुझे ये दिखा रहे हैं कि देखो शायद तुम मुझे देख नहीं सकते हो, लेकिन मैं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और अगर स्वामी मेरे साथ है, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि स्वामी आप सबके साथ है, सबके साथ है स्वामी, बस हमें थोड़ा तड़पना पड़ेगा कि स्वामी आ जाओ, दिखाओ स्वामी, आप हमें देख सकते हैं ना, हमें भी आपको देखना है। और स्वामी प्रकट होंगे अनेक तरीके से।